क्या आपने पूरा येलो कॉकटेल देखा है? पूरा येलो, मैं क्रीम की बात नहीं कर रहा, जिसके आप चीक देखते हैं और क्रीम होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ येलो येलो डर्टी फेलू, यानी कि पूरा येलो, मतलब इनो होता है ना पूरा व्हाइट, वैसे पूरा येलो कॉकटेल मैंने देखा भी है, मेरे पास कुछ एक दो पीसेस पड़े हुए भी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, कुछ लोग कहते हैं लेमनाडा कॉकटेल, कुछ लोग लेमन कॉकटेल कहते हैं, कुछ लोग रोजमेरी करके कहते हैं, रोजमेरी कॉकटेल, और मुख्तलिफ नाम हैं इसके। अब मैं आपको बताता हूँ ये बनाया कैसे जाता है। मेरे पास एक पीस है जो डार्क येलो में है, एक उससे थोड़ा सा उससे नीचे नंबर पे है, ठीक है। अब ये बनते कैसे मैं आपको बताता हूँ, इतना सिंपल है इसको बनाना, आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे पास निकले थे तो मैं वर्किंग नहीं कर रहा था, मैं तो आपको पता है एंड के शंट पेयरिंग लगा देता हूँ, ब्लड लाइन मजबूत करने के लिए मैं एक ब्लैक आई जरूर ऐड करता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बने मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन जफर कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल ही के बारे में। तो गाइज हुआ कुछ इस तरह से था कि मैंने अपने पास कुछ एल्बिनो कॉकटेल की पेयरिंग की। अच्छा मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि यार यूरोप में ना एल्बिनो, अगर एल्बिनो के माँ बाप भी एल्बिनो हो तो उस एल्बिनो की वैल्यू कम होती है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, मैंने कहा यार वो लोग बताते क्यों हैं कि इसके माँ बाप भी एल्बिनो थे, वैसे ही भेज दें। उसने कहा नहीं, यहाँ पर लोग जो है ना झूठ नहीं बोलते। मतलब कितनी बड़ी बात है यार, पहले तो मैंने इस बात से बहुत कुछ सीखा। उसने बोला यहाँ पे लोग झूठ बोलते ही नहीं है, उनसे निकलता ही नहीं है उनके मुंह से, यार कितनी बड़ी बात है। अब आप सुने वो क्या बता रहा था, कहता है जब भी कोई अंग्रेज कॉकटेल खरीदेगा ना, जब भी कोई गोरा, जब भी कोई ब्रिटिश, जब भी कोई यूरोपियन कॉकटेल खरीदेगा तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं एल्बिनो खरीदूंगा, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन उसके माँ बाप दोनों एल्बिनो नहीं होने चाहिए, अगर दोनों में से एक एल्बिनो था, उसकी अम्मी एल्बिनो थी, अब्बू उसका चारकोल था, तब भी वो ले लेगा। अगर अब्बू उसका एल्बिनो था, अम्मी उसकी चारकोल थी, तब भी वो ले लेगा। यानी कि रेड आई टू ब्लैक आई की पेयरिंग में से निकला हुआ एल्बिनो वो ले लेगा। दोनों माँ बाप ब्लैक आई है, वैसे ही एल्बिनो एक आध पीस निकला है, तब भी वो ले लेगा। लेकिन कहता है कि ऐसा एल्बिनो नहीं लूंगा जिसके दोनों माँ बाप रेड आई हूं। तो उसकी वजह यह होती है कि उनका ये मानना है कि ऐसा एल्बिनो जिसके माँ बाप भी एल्बिनो हो, उसकी ब्लड लाइन कमजोर होती है, उसका फर्टिलिटी रेशियो कम हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है। अच्छा एक तो ये चांस होता है कि फर्टिलिटी पे असर हो सकता है, फिर दूसरा ये कि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा एल्बिनो अपने बच्चों को फीड नहीं करवाएगा, या तंग करेगा, या अंडों पे नहीं बैठेगा, बच्चे निकल आएंगे तो पालेगा नहीं, तंग करता रहेगा। ऐसे पेयरिंग को वीक पेयरिंग समझते हैं वो, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि मतलब ऐसा बहुत कम होता है, उस कम को भी अवॉइड करने के लिए हम ये काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कई ऐसे पेयर हैं जो इनो टू इनो लगे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है, बच्चे भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं, पाल भी सही रहे हैं, मैं भेज भी रहा हूँ लोगों के पास जाके, उनके बच्चे ब्रीड भी कर रहे हैं, साइज भी अच्छे निकल रहे हैं। लेकिन जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने तमाम इनोज के साथ एक ना एक ब्लैक आई ऐड कर दिया, और कुछ पेयर ऐसे थे जिनमें मैंने इनो का मेल लगाया और फीमेल जो है वो क्रीम की लगा दी, और वो जो क्रीम की फीमेल थी वो भी कहीं ना कहीं इनो में से निकली हुई थी, क्योंकि मेरे पास असल लाइन जो थी वो इनो की चल रही है, मेरे पास असल लाइन इनो की चल रही है। क्योंकि आज के इतने महंगे दौर में मैं कॉमन कॉकटेल रख के नहीं बैठूंगा, मैं चारकोल रख के, सिर्फ चारकोल रख के नहीं बैठूंगा, लाइन जो थी मेरी मेनली वो एल्बिनो की थी। अब बात करेंगे, आप बोल रहे होंगे कि कहां ये येलो कॉकटेल की बात कर रहा था और अभी ये पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ से बाहर बात है। अब मैं आपको समझाता हूं कि मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो पेयर जिसमें एल्बिनो का मेल और क्रीम की फीमेल लगाई थी, उसमें से मेरे पास क्रीम ज्यादा निकल रहे थे, उस क्रीम को मैंने चारकोल के साथ लगाया तो उस पेयरिंग में से कुछ पीस इनो निकले, कुछ चारकोल के निकले, और बहुत कम मेरे पास क्रीम निकला जो कि थोड़ा सा डार्क हो गया था उसका क्रीम कलर। फिर उसी क्रीम कलर के डार्क हुए हुए बच्चे को मैंने दोबारा इनो के साथ लगाया, उसके बाद मेरे पास बहुत ही ज्यादा डार्क किस्म के, समझ लें आपके क्रीमिनो निकलना शुरू हो गए, क्रीमिनो कॉकटेल की बात कर रहा हूं। फिर वो जो बच्चे मेरे पास क्रीम, डार्क क्रीम के निकले, मैंने उनको दोबारा से चारकोल के मेल के साथ लगाया, और उसके बाद मेरे पास इस तरह की रोजमेरी टाइप की दो फीमेल निकल आई। अब मुझे नहीं पता कि इनको आगे कैसे इस्तेमाल करना है या क्या करना है। बहरहाल अभी इस वक्त मैं उनमें से एक रोजमेरी की फीमेल को चारकोल के साथ लगा रहा हूं और दूसरी क्रीम को मैं इनो के साथ लगाने की ट्राई कर रहा हूं। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, बेसिकली मैं कोई वर्किंग नहीं कर रहा था, मैं ऊंट पटांग हरकतें कर रहा था, मुझे ब्लड लाइन मजबूत करनी थी और उसमें ये पीसेस निकल आए मेरे पास।
इवन कि मैं इतना भी अवेयर नहीं था कि मैं पहचान सकूं कि ये रोजमेरी है, या मुझे सिर्फ इतना आइडिया हो गया था कि ये थोड़ा सा ज्यादा येलो हो गया है पीस, तकरीबन समझ लो कि ऑरेंज के करीब करीब है, उनमें से एक तो बिल्कुल ऑरेंज के करीब करीब है, पूरा चीक है उसके, बेसिकली क्रीम की लाइन का है, चीक है उसके। तो मुझे बस इतना आइडिया हो गया था कि थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये आइडिया नहीं हुआ था कि ये कोई बहुत ही मुश्किलों से निकलता है या ये नायाब है। बहरहाल वो निकल आया मेरे पास। अब उसको जो ज्यादा डार्क है उसको चारकोल के साथ लगाने की तैयारी हो रही है, लेकिन वो फीमेल जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेती, उसको कोई इनो का मेल पसंद आ गया, वो उसके साथ ब्रीडिंग करना चाह रही है, बट वो मेल जो है अभी शायद इतना मेच्योर नहीं है, वो मेल को अलग करना चाह रहा हूँ मैं। खैर देखेंगे किसके साथ पेयर बनता है, जिस तरह से भी। अब मैंने आपको तरीका बताया, अब इस तरीके को सुन के कहीं ऐसा ना हो कि सारी दुनिया इस काम पर लग जाए। भाई इस काम पर वही बंदा लगे जिसके पास पैसा हो और टाइम हो। जो कमाने वाले लोग हैं उनका छोटा सा एक काम है भाई, सिंपल सा काम है आपका, एक इनो का मेल खरीदो और क्रीम की फीमेल ले लो, सारे बच्चे तुम्हारे पास क्रीम के निकलेंगे, राइट? ऐसा ही है ना, क्योंकि रेड आई के साथ रेड आई लगाओगे तो ब्लैक आई नहीं निकलेगा। अगर आप क्रीम की फीमेल के साथ इनो का मेल लगाओगे तो सारे बच्चे आपके पास क्रीम के निकलेंगे। वो जितने भी बच्चे आपके पास क्रीम के निकल रहे हैं वो सब के सब इनो के स्प्लिट होंगे। अब वो क्रीम के जो बच्चे निकल रहे हैं उनको आप आगे जाके सिर्फ इनो के एक एक पीस के साथ लगाइएगा, आपके पास सारे इनो के बच्चे आएंगे और ब्लड लाइन भी मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि वो क्रीमिनो के साथ मैच करके, जैसे ये सामने पेयरिंग है ना, इस तरह की मैं रखता हूँ अपने पास, इस तरह की पेयरिंग करवाता हूँ ताकि इनो का अगर ब्लड चेंज नहीं हो रहा तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत चेंज हो सके क्रीम के साथ लगाने के बाद। अगर आप चाहें अपने खर्चे बचाने के लिए या कमाने के लिए रोजगार, तो आप 10 के 10 पेयर डायरेक्ट इनो टू इनो भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। 100 पेयर में से एक पेयर ऐसा होता है जिसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कभार उसमें भी नहीं आती, और प्रॉब्लम ऐसी चीज है कि भाई कॉमन चारकोल में भी आ जाती है यार। अगर कोई बच्चा, कोई माँ बाप अपने बच्चों को फीड ना करवाएं तो वो तो चारकोल में भी, मेरे पास ऐसा होता है कि फीड नहीं करवा रहे बच्चे को, इनो के बच्चे निकले में चारकोल में से लेकिन चारकोल फीड ही नहीं करवा रहा, तो ऐसा तो हो जाता है। अभी मैं आपको एक और बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ। मैंने एक जो है ना, अभी काफी टाइम से आपको पता है मैंने शिफ्ट किया था, अभी बोलेंगे लोग बार बार एक बात रिपीट करता रहता। अच्छा, शिफ्ट करने के बाद ना एक अलग नॉलेज मिली है, मतलब मेरे कॉकटेल पहले आउटडोर थे, बहुत अच्छी ब्रीड आ रही थी, डबल रेशियो था मेरे पास ब्रीड का। जब मैं इंडोर आया तो इंडोर में मेहनत बहुत होती है, ब्रीड अंदर भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन उसमें फिर थोड़ा सा पंखा वंखा लगाना पड़ता है, एग्जॉस्ट फैन। तो वो मैंने उस टाइम, जाहिर है पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, फिर सारा पैसा लग गया था मेरा ऑलरेडी पिंजरे वगैरह खरीदने में, तो मैंने नहीं लगाए। उससे क्या हुआ कि काफी मेरा टाइम बर्बाद हो गया, मेरी ब्रीड ब्रीड जाया हो गई, लेकिन उस जाया हुई हुई चीज में भी मैंने पता नहीं क्या क्या सीखा है, वो मैं जब आपको बताऊंगा ना आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, बड़ी होने के साथ साथ फट जाएंगी, फट के नीचे गिर जाएंगी, मैं आपको उठा के वापस दे दूंगा, आप वापस लगा लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, इससे बहुत तेज तरीन ब्रीडिंग आती है। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूं, लेकिन ऑर्डर करने से पहले, ऑर्डर करने का तरीका बताने से पहले ये सुन लें मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, ताकि आप तमाम चीजें एक ही बार मंगवाएं और डिलीवरी चार्जेस आपको एक बार देने पड़े और आपका खर्चा भी कम हो। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है और हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है। इस कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड की खासियत यह है कि ये एग फर्टिलिटी रेशियो को बढ़ाता है, एग प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी कि फीमेल अगर 3 अंडे दे रही थी तो 5 देगी और वो 5 के 5 फर्टाइल भी होंगे, क्योंकि ये फर्टिलिटी रेशियो को अच्छा कर देता है और हैचेबिलिटी रेशियो बढ़ा देता है, डेड इन शेल होने के चांसेस भी कम करता है। ये भी हमारे पास अवेलेबल है। इसी के साथ, इसी के बाद हमारे पास मैं बात करूंगा एंटी लाइसिस स्प्रे की। एंटी लाइसिस स्प्रे इस्तेमाल किया जाता है बर्ड्स को नहलाने के लिए ताकि उसकी जुएं मर जाएं। ये स्प्रे बर्ड के ऊपर मारा जाता है ताकि उसकी जुएं मर जाएं, लेकिन बर्ड को कोई नुकसान ना पहुंचे। दाना पानी की मौजूदगी में आप डायरेक्टली अपने बर्ड के ऊपर ये स्प्रे मार सकते हैं, बारीक बारीक जुएं खत्म हो जाएंगी आपकी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ब्रीडिंग बूस्टर आता है, ये हम सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देते हैं बर्ड्स को। इससे क्या होता है, बर्ड ज्यादा सॉफ्ट फूड खाते हैं, बच्चों को फीड भी अच्छे से करवाते रहते हैं और खुद भी उनका साइज अच्छा हो जाता है। अब इस सॉफ्ट फूड बूस्टर की खास बात यह है कि ये सॉफ्ट फूड बूस्टर ही नहीं है बल्कि सॉफ्ट फूड प्लस, सॉफ्ट फूड बूस्टर प्लस हैंड फीड भी है, यानी कि आप इसको हैंड फीड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो सॉफ्ट फूड बूस्टर भी है, सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के भी दिया जा रहा है। अगर आपके पास कॉकटेल है और हैंड फीड ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो भी ये बन जाता है। इसको पानी में मिलाकर देंगे तो ये हैंड फीड बन जाएगी, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। दाना हम सप्लाई करते हैं ऑल ओवर दी कराची, कराची से बाहर कोई मंगवाता है तो उसका 20 किलो पे हम लोग सप्लाई कर देते हैं, वरना कराची के अंदर अगर आप 2 किलो मंगवाएंगे, 4 किलो, 8 किलो, 20 किलो, 40 किलो, जितना मर्जी मंगवाएं आपको मिल जाएगा।
अगर आपके पेयर बच्चों को सही से फीड करवा रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चे मर जाते हैं, उनका पोटा भरा हुआ होता है फिर भी बच्चे मर रहे हैं, तो उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है। ये बच्चे से लेके, लवबर्ड से लेके, कॉकटेल से लेके, जावा सब में इस्तेमाल हो सकती है। ये डॉक्सीसाइक्लिन भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। डॉक्सीसाइक्लिन सेहतमंद बर्ड को दी जाती है। अगर कोई बर्ड आप बाहर से लेकर आए हैं तो उसको अलग रख के क्वारंटाइन करवाया जाता है 6 दिन का, 4 से 6 दिन उस टाइम डॉक्सीसाइक्लिन ही पिलाई जाती है। जब बर्ड ट्रैवल करके आता है उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है तब भी डॉक्सीसाइक्लिन ही पिलाई जाती है ताकि उसकी हार्ट बीट सही हो जाए, वो अपने हालात में एडजस्ट कर सके। बर्ड को आने वाले इन्फेक्शन से बचाने के लिए महीने में 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है, वो भी डॉक्सीसाइक्लिन से ही करवाया जाता है। जब बर्ड बीमार हो जाए तो उस वक्त डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देते। अगर कोई बर्ड हड्डी में आ रहा है, सीप में आ रहा है, आपके पास वायरल फैला हुआ है, बच्चे कमजोर निकल रहे हैं, मसला आ रहा है, जितनी ब्रीड आ रही है खराब हो रही है, उसमें आपको हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना होता है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। अब सुन लें ऑर्डर करने का तरीका क्या है। ऑर्डर करने के लिए इनमें से जो भी चीज चाहिए सिर्फ उसका नाम लिखो और सेंड कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। सामने नंबर देख रहे हो, ये मेरा व्हाट्सएप का है, इस पर आप सेंड कर दें। 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। कॉल मत करना वरना यार सीधा ब्लॉक मारूंगा, क्या करूं, मजबूरी है। आई रियली लव यू ऑल। आप लोग वीडियो देखते हो तो हमें बहुत आसरा हो जाता है, हमारा घर चलता है, ठीक है। आप लोग ऑर्डर ना भी करो, जब आप वीडियो देख लेते हो तो आपका बहुत बड़ा एहसान होता है हमारे ऊपर। लेकिन कुछ मजबूरियां हमारी भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉल पे कॉल करते रहते हैं, तो फिर हम तंग हो जाते हैं। आप समझे मजबूरी को। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।